वैसे दर्शकों, अगर किचन की बात करें तो हमारी किचन में ऐसी कई सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आपकी ही किचन में मौजूद एक और चीज़ के बारे में जो कि आपकी सेहत को काफ़ी हेल्दी बनाए रखेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे धनिया पत्ती के बारे में और उसके बीज के बारे में। ये धनिया पत्तियाँ और बीज आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। यदि आप इनका 15 दिन भी यूज़ करते हैं तो 15 दिन में भी आपको अपनी सेहत में कई सारे बदलाव नज़र आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं धनिया पत्तियाँ और बीज के बारे में, जिसका पानी पीने से आपकी सेहत में कई सारे बदलाव आ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दर्शकों, आपको बता दें कि हरे धनिया की पत्तियां और बीज दोनों ही हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती हैं। जहां एक तरफ खाने में मसाला मिर्च भले ही कम हो, लेकिन अगर उसमें धनिया होता है तो हमारे खाने का टेस्ट कुछ और ही होता है। वहीं देखा जाए तो धनिया की पत्तियां हमारे खाने को गार्निश करने के काम भी आती हैं, जिससे कि हमारे खाने की खूबसूरती बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे खाने में चार चांद लग जाते हैं। बल्कि इसका पानी अगर आप पीते हैं तो ये भी आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। बता दें आपको कि धनिया के पानी में मौजूद होते हैं पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इनकी भरपूर मात्रा होने के बाद अगर हम इन्हें पीते हैं तो हमसे बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। जी हाँ, धनिया का पानी पीने के ढेरों फायदे हैं, जिनमें से कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कैसे आप कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बता दें कि धनिया में ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं और उसे कंट्रोल भी रखते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें एक रिसर्च के अनुसार कि किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है तो उसे धनिया के बीज उबाल कर उसका पानी पीना चाहिए, जिससे कि उसे जल्द से जल्द कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा मिल सकता है। वहीं अब बात करते हैं पेट की बीमारियों के बारे में। जी हाँ, यदि आपको पेट की कई सारी समस्याएं हैं तो आप 2 कप पानी में धनिया के बीज, जीरा, चाय पत्ती और शक्कर डालकर अच्छे से मिला लें और इस पानी को पिएं, जिससे कि आपको एसिडिटी से आराम मिलेगा। और साथ ही साथ अगर पेट में दर्द है तो पेट में दर्द होने पर आधा ग्लास पानी में 2 चम्मच धनिया के बीज डालकर पी लें तो पेट के दर्द से भी राहत मिल जाएगी। अब बात करते हैं डाइजेशन की, जो कि बेहद ही आम समस्या होती जा रही है। यदि आप हरा धनिया पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए यूज करते हैं तो ये आपकी पाचन शक्ति के लिए काफी अच्छा होगा। जी हाँ, ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। धनिया के ताजे पत्तों को छाछ में मिलाकर पीने से बदहजमी, मतली, कोलाइटिस और पेचिश में आराम भी मिलता है। वहीं अब बात करते हैं नकसीर की। जी हाँ, हरे ताजे धनिया की लगभग 20 ग्राम पत्तियों के साथ चुटकी भर कपूर मिला लेने से और पीस कर छान लें। इस रस को 2 बूंदें नाक की छेदों में दोनों तरफ टपकाएं और रस को माथे पर लगाकर हल्का हल्का मल लें और नाक से निकलने वाला खून जल्द ही बंद हो जाएगा। वहीं अब बात करते हैं आँखों के बारे में। जी हाँ, धनिया के बीज आँखों के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। यदि आप धनिया के थोड़े से बीज पीस लें और इस पानी को ठंडा करके मोटे कपड़े से छान लें और इसकी 2 बूंदें आंखों में टपकाने से जलन, दर्द और पानी गिरना जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वहीं अब बात करते हैं महिलाओं की। जी हाँ, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या होती है पीरियड्स की समस्या। धनिया महिलाओं में पीरियड्स संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। अगर आप पीरियड्स के दौरान 1/2 लीटर पानी में लगभग 6 ग्राम धनिया के बीज डालकर खौला लें और इस पानी में चीनी डालकर पिएं तो काफ़ी फायदा मिलने वाला है आपको। वहीं अब बात करते हैं मुहासों के बारे में। जी हाँ, धनिया त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। धनिया के जूस में हल्दी पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाएं और कुछ देर के बाद चेहरा धो लें। दिन में 2 बार इस लेप का इस्तेमाल करने से बहुत ही जल्द आपको मुहासों से और दाग धब्बों से भी छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके चेहरे की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। तो देखा दर्शकों आपने कि धनिया के ऐसे कितने सारे फायदे हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। यदि आप भी इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं
और इन घरेलू उपायों को करके आप खुद से कई बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होते, तब तक के लिए देखते रहिए क्यूरेंट हेल्थ डेस्क से प्रांशी की रिपोर्ट।